तीन बार दरबार साहब कॉम्पलैक्स के नेड़े तीन बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए है। पहली बार होया, सरकार ने कोई एक्शन लिता। दूजी बार बॉम्ब ब्लास्ट होया, कोई पता नहीं लग गया उन्होंने। तीजी बार SGPC दे सेवादारा ने दोषी फड़े है। जिहड़ा काम पंजाब सरकार दा सी, सरकार ने तो की करना सी, SGPC नूं करना पिया। आ तां हालात पंजाब दे। अज शरेआम गुंडागर्दी, शरेआम गैंगस्टर, शरेआम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दी हालात है। मुख्यमंत्री रहन दे लायक नहीं है। जे दरबार साहब वर्गे पवित्र स्थान ते अटैक हो सकता है, नेड़े अटैक हो सकता है, फिर तक के कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूरे दुनिया की सब तो मोस्ट हाईली विजिटेड इतने लोग श्रद्धालु आते, लखा की गिनती श्रद्धालु आते हैं। जे ऐसी जगह पर भी हो सकता तो फिर इतने उम्मीद रखनी पंजाब सरकार तो मैं लगता बिल्कुल ही लोगों के मन च ऐ लग रहा है जिमें इतने कोई तालिबान का राज है, सरकार ना की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिख धर्म क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आ जी सोच है ना इन्हें जी आम आदमी पार्टी की, जी मैं देख रहा है कई बार इन्हें मैं बयान लोग मैं बड़ी हैरानी आती है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के खिलाफ बयान दे देते, SGPC के खिलाफ बयान दे देते। भगवंत मान ने, भगवंत मान एक मुख्यमंत्री है, सूबे का मुख्यमंत्री है, इस सूबे दई इंस्टीट्यूशन होंगे। श्री अकाल तख्त साहब जसदार के खिलाफ बयान मिले था अज तक किसी मुख्यमंत्री ने दिता, कला भगवंत मान पहला है। जलंधर दी बाई इलेक्शन तो इस करके आ जी सोच इन्हों की है जी, नैगेटिव सोच लैके आई है सरकार, तो यह इन्हों का कोई भरोसा नहीं, कुछ मर्जी करा सकती है, यह कोई पता नहीं। जलंधर की बाई इलेक्शन देखा होना है कि आम आदमी पार्टी के कोले बूथ उत्ते बिठाने वाले वर्कर भी नहीं सी। इन्होंने सारे MLA ड्यूटी लाई, उन्होंने चेयरमैन वो आप उत्ते बैठे, कंप्लीट वायलेशन। जिहड़ी इलेक्शन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन सी, एडमिनिस्ट्रेशन भागे उन्हें पूरा उन्होंने नाल सपोर्ट किया। पहली बार हिस्ट्री च होया है कि पुलिस ते सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने ओपनली मदद की रूलिंग पार्टी की। वड्डी गल है जिहड़ा बंदा बूथ ते बहिंदा या अंदर एजेंट आंदा उहदा आइडेंटिटी कार्ड बनता है। आइडेंटिटी कार्ड बनाए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने MLA दे, जिहड़े दूजे हलके दे लोगों दे, ये तो वड्डा वायलेशन की हो सकता है। लगता रिजल्ट अफेक्टेड हो गया जी। इन्होंने जिनी गुंडागर्दी करनी सी कर ली, परमात्मा मेहर करो। असी पहले भी कहा सी कि जिहड़ा हरियाणा कमेटी का प्रधान है, प्रधान कमेटी का नहीं, वो बेसिकली BJP का नुमाइंदा है, BJP का नुमाइंदा है। हरियाणा कमेटी या SGPC या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक खालसा पंथ दियाँ इंस्टीट्यूशन सी। हरियाणा कमेटी इन्होंने जान के SGPC ने तोड़ के बनाई कि अपना कंट्रोल कर सकन BJP। सो क्लियर कट जिहड़ा प्रधान मत्था टेकदा है BJP मुख्यमंत्री नूं, की मैसेज देना चाहुंदा है कि असी BJP दे थल्ले लगे हैं। जिहड़ी उहनूं मैनूं लगदा है एज ए प्रधान नूं एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए, कढ़ना चाहिए। असीं तां पहले बड़ी बार कहा है कि इन्होंने अपनी मर्यादा सारी इन्होंने तोड़ देनी है, इन्होंने जिहड़े सिस्टम्स आ उत्थे सारे खराब कर देने हैं। देखो एक मर्यादा होंगी, हर धर्म की एक मर्यादा होंगी, एक तरीक तौर तरीके होंगे है, पर जिस तरह ने इन्होंने आ कमेटी बनाई हरियाणे की, ये तो माड़ी गल नहीं कर सकते। सही मायने ते धार्मिक सिख धर्म के इंटरफेरेंस है। मेरा नाम जी जयेंद्र सिंह है, फ्रेंड्स एंड कंपनी तो सानू 2020 सैंड माइनिंग का सानू कॉन्ट्रैक्ट मिलिया सी जी। डीसिल्टिंग साइट्स जिहड़ियां ने सानू
वजीर भुलर ब्यास दरिया के उपर उ सू लौट आई पंजाब सरकार वालों मंजूरशुदा जोड़ा पॉइंट से साडा डीसेल्टिंग उत्थे आ के जो सा कम चल रहा जो सारे साडे वर्कर उत्थे कम कर रहे थे उदो सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब तो सरदार विरसा सिंह बल्टोवा साहब तो जिन्हें इतने आए ने उन्होंने उपर जरा उन्होंने साडा कम आगे बंद कराया तो साडे जिहड़े वर्कर सी जिस तरह भी है ना इधर उधर हो गए साडे वर्कर इन्होंने डर दे मारे तो साडा कम उस वे बंद करा दिता उस वे जे सा है लीगली डिपार्टमेंट तो माइनिंग तो उन्होंने भी आ गए अपनी सफाई दी कि साडा जिहड़ा बिल्कुल लीगल आ उस दरमियान इन्हों के उपर जिहड़ा सी एफ आई आर परचा दर्ज होया तो असीं मंग करदे हां कि इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी भी कार्रवाई की जाए। अज जज साहब ने जी 29 तरीक जिहड़ी अगली सानू दित्ती है जी तो बाकी देखो जो जज साहब फैसला करनगे उस नूं मंजूर हाँ सर। चार्ज फ्रेम करने वास्ते जज साहब ने इन्हों बुलाया ही सरदार सुखबीर सिंह बादल विरसा सिंह बल्टोया ये आप चार्ज वास्ते कहा जज साहब न चार्ज फ्रेम करने वास्ते एक बंदे की इन्होंने एग्जम्पशन लाई अज इन्होंने जरा एक अक्यूज्ड ही वे करके जज साहब ने 29/5 रखी डेट हूँ 29/5 इन्हों का चार्ज फ्रेम हो संदीप भगत एडवोकेट